नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धरे रह गए किसान नेताओं के दावे पर ट्रैक्टर परेड में पथराव, तोड़फोड़ और ट्रैक्टर दौड़ाने से लेकर तलवार से हमले तक का हुआ प्रयास। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने के ऐलान के साथ ही किसान नेताओं ने तमाम दावे किए थे। हालांकि ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान निहंग रक्षकों ने अक्षरधाम मंदिर के पास तलवारें लहराई। आपको बता दें कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वह उनसे ही भिड़ गए। ट्रैक्टर परेड में शामिल किसानों ने अक्षरधाम और नोएडा मोड़ के पास बैरिकेड और सीमेंटेड बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू के गोले छोड़कर उनको नियंत्रित करना पड़ा। इससे पहले किसान नेता दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत आदि ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया था। जवाबी कार्रवाई में उत्तेजित प्रदर्शनकारी अपनी तलवारों के साथ ही पुलिस कर्मियों की ओर भागने लगे। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस तलवार लेकर दौड़ते हुए किसानों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली में हुई हिंसा की किसान मोर्चा ने की निंदा, कहा कमजोर होगा हमारा आंदोलन। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। प्रदर्शनकारी किसान लाल किला परिसर में भी दाखिल हो गए और उन्होंने वहां पर अपना झंडा फहराया। हालांकि रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करते हुए हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा, सभी घटनाओं की समीक्षा की जाएगी, हम खुद को उपद्रवी तत्वों की से अलग करते हैं। साथ ही किसान मोर्चा ने किसानों को हिंसा से दूर रहने की अपील की है। किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसान गणतंत्र दिवस परेड में अभूतपूर्व भागीदारी के लिए हम किसानों को धन्यवाद देते हैं। हम उन अवांछनीय और अस्वीकार्य घटनाओं की भी कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं जो कि घटित हुई हैं, और ऐसे हरकतों में लिप्त होने वाले लोगों को खुद इससे अलग हो जाना चाहिए। दिल्ली पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पर फहराया केसरिया झंडा, योगेंद्र यादव बोले ये गलत है। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों का राजधानी दिल्ली में हंगामा जारी है। प्रदर्शनकारी किसान पहले से तय रास्ते से हटकर दिल्ली में दाखिल हो गए और सैकड़ों किसान लाल किला पहुंच गए। लाल किला के ऊपर चढ़कर किसानों ने केसरिया झंडा फहरा दिया, हालांकि बाद में पुलिसकर्मी ने झंडा उतार दिया। योगेंद्र यादव ने किसान की तरह इस तरह के प्रदर्शन को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिना किसी संदेह के निंदनीय है और शर्मिंदगी का विषय है। यह गणतंत्र के लिए, देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। मैं किसान नेताओं और आंदोलन में शामिल लोगों से अपील करता हूं कि पुलिस के दिए गए रूट को ही माने। जो लोग तय रूट से बाहर चले गए उन्हें भी तय रूट पर ही वापस आ जाना चाहिए। अभी मैं यह नहीं जानता हूं कि यह हमारे संगठन के लोग हैं या फिर कौन है, लेकिन ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं वो निंदनीय है। मुझे अभी यह नहीं पता लगा है कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बार और अपील करना चाहता हूं कि इससे आंदोलन और किसान की छवि खराब हो रही है, ऐसा न करें, पुलिस के रूट पर ही रहें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और NIC को आरोग्य सेतु का डेटा शेयर करने से रोका। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को आरोग्य सेतु के जरिए एकत्र किए गए डेटा को साझा करने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यूजर्स की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश AS ओका और जस्टिस विश्वजीत सेट्टी की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया हमने पाया है कि डेटा साझा करने के लिए यूजर्स से कोई सहमति नहीं ली गई है, जैसा कि आरोग्य सेतु प्रोटोकॉल 2020 में प्रावधान किया गया है। इस प्रोटोकॉल का ऐप पर उपलब्ध प्राइवेसी पॉलिसी एवं इस्तेमाल करने की शर्तों में कोई उल्लेख नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अदालत डेटा प्राइवेसी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता अनिवार अरविंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि आरोग्य सेतु ऐप द्वारा डेटा संग्रह और इसे शेयर करके नागरिकों की निजता का उल्लंघन किया गया है।
किसानों ने लाल किला में लगाया अपना झंडा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निंदा करते हुए कही यह बात। जी हां, तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक हो गया। कई किसान लाल किला परिसर में दाखिल हुए और अपना झंडा लगा दिया। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज भी किया। आपको बता दें कि लाल किला में हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है और आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर ही रहना चाहिए था। इसकी मर्यादा उल्लंघन करने की मैं निंदा करता हूं, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान संयुक्त मोर्चा ने भी हिंसा की निंदा करते हुए खुद को अलग कर लिया है, साथ ही ट्रैक्टर रैली में भाग लेने वाले लोगों को धन्यवाद भी किया है। किसानों के प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी, कहा देश हित में वापस लिए जाएं कृषि विरोधी कानून। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश की एकता में केंद्र सरकार के इस कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। प्रमोद सावंत ने कहा, पीएम मोदी देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं, लेकिन कुछ ताकतें किसानों को बरगला रही हैं। जी हां, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ मुद्दों पर युवाओं और किसानों को बरगला रही हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह देश की एकता के लिए काम करे। राजधानी पणजी में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सावंत ने लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में निहित है कि हम अलग अलग विचारों का सम्मान करें। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम देश की एकता के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें युवाओं और किसानों के मन में भ्रम पैदा कर रही हैं और कुछ मुद्दों पर उन्हें बरगला रही हैं। हालांकि सावंत ने इस दौरान किसी खास मुद्दे का जिक्र नहीं किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। सावंत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देशभक्त होना चाहिए। सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने और भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन शुरू किया है। सावंत ने आगे कहा कि सरकार नया भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है, जो कि सभी मायनों में विश्व नेता होगा। देश में जल्द आ सकती है डिजिटल करेंसी, आरबीआई कर रहा है इस पर विचार। जी हां, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक देश में अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने कहा कि भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते हुए परिदृश्य, निजी डिजिटल टोकनों के आने और कागज के नोट या फिर सिक्कों के प्रबंधन से जुड़े हुए खर्च बढ़ने के मद्देनजर दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी की संभावनाओं के अध्ययन और इसके लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए आरबीआई ने एक अंतर विभागीय समिति भी बनाई है। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं की रीढ़ ब्लॉकचेन या फिर त्वरित लेजर प्रौद्योगिकी है। उनका व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्व है और हमें इसे अपनाने की ज़रूरत है। हमारा यह भी मानना है कि अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा की गई बंद, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया यह फैसला। जी हां, किसान ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में किसानों द्वारा की गई हिंसा के मद्देनजर मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नांगलोई में मध्यरात्रि तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो ग्रे लाइन पर सभी स्टेशनों के प्रवेश या फिर निकास द्वार भी बंद कर दिए। लाल किला में बड़ी संख्या में इकट्ठा प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले में अपने झंडे लगा दिए हैं।
वहीं दिल्ली में किसान रैली के नाम पर हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह ने बताया कि हम सुबह से ही किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो रास्ता दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में दिया गया था उसका ही पालन करें। काफी लोग इस रास्ते से चले गए लेकिन कई लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिए, हमारे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आज का मैट क्विज क्वेश्चन आ चुका है, भारत में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।